आज मैं आपको समुद्र की पॉम्पलेट मच्छी बनाना सिखाऊंगा। आप ध्यान से देखिए, ये पेपर लिया है मैंने, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं। मैंने वाइट पेपर लिया है, इस तरह का पेपर लीजिए और फिर ऐसा पकड़िए, ऐसा पकड़ के इसको इसके साथ में ऐसा कॉर्नर को मिला के ऐसा कॉर्नर मिला के इसको ऐसा करिए, एक दो बार ऐसा करिए ताकि कागज का जो है मोड़ अच्छी तरह से फिक्स हो जाए। फिर ये कागज को भी ऐसा करिए इसके जरिए से, और इसको ऐसा ऐसा दो बार ऐसा इस तरह करिए ताकि ये फटने में काटने में आसान हो जाएगा। अब आप इसको कागज को कैंची से भी काट सकते हैं आप, और हाथ से भी इसको धीरे से ऐसा पाड़ सकते हैं। ऐसा रख के ऐसा धीरे 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 ऐसा पाड़ सकते हैं, और कैंची से भी कर सकते हैं। खोल दीजिए, देखिए अब ये पेपर स्क्वायर हो गया, इसकी भुजाएं चारों तरफ बराबर है। अब इसको इसको पकड़ के फिर एक तरफ ऐसा करिए, एक तरफ इधर मोड़ना है और एक तरफ उसको उधर मोड़ना है। ये दोनों तरफ ऐसे मुड़ गए, उसको फिर ऐसा पकड़िए, इस तरीके से पकड़ के उसको ऐसा करिए। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखिए, बहुत जल्दी बन जाएगी है। अब फिर इसको हाथ से ऐसा प्रेस कर दीजिए, और ऐसा प्रेस करने के बाद में देखिए ये दो भाग हो गए, एक इधर है एक इधर है, और एक इधर है और एक इधर है, दो दो चार भाग हो गए ना। चार भाग के जगह दो के जगह में एक को आप ऐसा इधर कर दीजिए, तीन बना दीजिए इधर। ये देखिए ये तीन बन गए, ये एक भाग इधर है और ये तीन भाग इधर है। अब तीन भाग को आप देखिए, ध्यान से देखिए, एक भाग को इस तरह बनाइए, ऐसा बनाइए, इस तरह से बनाइए देखिए। फिर इसको पलटी कीजिए, फिर पलटी करने के बाद में ये भाग जो है उसको बीच का जो भाग है फिर उसको ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, और इसको यहाँ से पकड़ के किनारे से पकड़ के ऐसा करिए। ये जो बनाया है मैंने ऐसा इसीलिए किया है, ये जो मच्छी के साइड में दो पर रहते हैं ना, ये दो पर बन गए, एक ये वाला पर बन गया और एक ये वाला अभी बन रहा है। ये देखिए जो साइड में दो ऐसे लगे हुए रहते हैं मच्छी के रहते हैं, ये बन गए अभी। अब फिर आप क्या करना है, इसको ये जो भाग जो सामने का मेन भाग है उसको फोल्ड यहाँ से करिए, ऐसा फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद में ये दोनों को ऐसा पास में किनारे में लाइए, किनारे में ला के उसको ऐसा मिला दीजिए। मिलाने के बाद में ऐसा हाथ से उंगलियों से ऐसा प्रेस करिए और फिर इसको ऐसा कर दीजिए। देखिए ये ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद में अब इसको क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ से आप ऐसा पकड़िए किनारा, जितनी दूरी ये है इतनी दूरी ये है, यहाँ से इसको ऐसा मोड़िए। ये देखिए ऐसा मोड़ दिया मैंने, ये बराबर स्क्वायर बन गया है अभी तकरीबन तकरीबन। अब क्या करना पड़ेगा, आपको कैंची है आपके पास में, इसको आप फिर कैंची से इसके बराबर थोड़ा 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 ऐसा काटिए, इतना भाग काटिए देखिए। फिर उसको यहाँ से ऐसा दवाई के दबा के ऐसे दबा के इसको मिलाइए, इसका कोना जो रहेगा इसको ऐसा मिलाइए और इसको ऐसा मिला लीजिए। मिला लेने के बाद में इसको अंदर से थोड़ा अंदर उसको
अंदर उसको ऐसा ढकेलिए और उसको ढकेल के उसको दबा दीजिए और ऐसा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए प्रेस हो गया। होने के बाद में आप इसको क्या करिए, यहाँ पर ये मैंने यहाँ तक बना दिया है, अभी आपको इसको पेंटिंग करने में ज़रा देरी लगेगी, इसीलिए मैंने ये दूसरा सेम बना के रखा है, आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये इसको ऐसा आप कर दीजिए, इसको ऐसा कलर बना दीजिए। बॉम्बे की पॉम्पलेट फिश बन गई आपकी।